हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या बीकानेरी चटकारा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे पनीर मेयो रोल, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। काठी रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक बाउल आटा, एक बाउल मैदा, पनीर जिसे मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है, मेयोनीज, प्याज, पत्ता गोभी, टमाटर और शिमला मिर्च, इन सबको मैंने लंबे टुकड़ों में स्लाइस कर लिया है। और मैंने लिया है घी, चाट मसाला, गरम मसाला, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, बारीक कटी हरी मिर्च ली है, धनिया, मटर, टमाटो सॉस, हींग, नींबू का रस और धनिया पाउडर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पर आटा और मैदा बराबर लिया है। आप चाहें तो खाली आटे में बना सकते हैं या खाली मैदे में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा तेल डालेंगे, एक टीस्पून के करीब। मैंने एक एक बाउल लिया था, एक टीस्पून बहुत होगा इसके लिए। थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून, इसको अच्छे से मिला के और सॉफ्ट रोटी जैसा डो लगा लेंगे इसका। आटा लगा दिया, इस पर हम थोड़ा सा तेल लगा के इसको ढक के रख देंगे। तब तक हम अपना स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। फ्राइंग पैन में मैंने एक टेबलस्पून तेल ले लिया, एक पिंच हींग, जीरा, मैंने हींग थोड़ी कम डाली है क्योंकि मेरी हींग बहुत स्ट्रांग है, वरना कई हींग आती है जिसमें आटा मिला हुआ होता है, वो थोड़ी ज़्यादा काम में लेनी पड़ती है। सबसे पहले हम मटर डाल देंगे। मटर को हम ढक के पकाएंगे क्योंकि मटर बहुत उछलते हैं। मटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। प्याज डाल दिए मैंने, प्याज को हम सॉटे कर लेंगे। पत्ता को भी डाल देंगे, टमाटर, शिमला मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला, तो अच्छे से मिला लेंगे। मेयो रोल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सभी लोगों ने अपने बचपन में ज़रूर खाया होगा, चाहे उसका थोड़ा सा तरीका अलग हो। जब भी बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो पेरेंट्स हमेशा जो है रोटी के अंदर रोल करके सब्ज़ी को और उनको दे देते हैं। अब इसका थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है, वरना ये तो पहले भी रोल तो चलता ही था रोटी का। इसको हम ढक के पकाएंगे। सब्जी पक गई है, बिल्कुल पूरा गलाएंगे नहीं हम इसको। इसमें हम थोड़ी सी टमाटो सॉस डालेंगे। थोड़ा चाट मसाला, और पनीर। अ
अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। हम इसको 2 मिनट ढक के पका लेंगे। दो मिनट हो गए हैं, सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है हमारी। हम इसको अलग रख देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। तवा गरम करने के लिए रख दिया है, तब तक हमारी रोटी बना लेते हैं। आटा तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाया है। थोड़ा सा घी का या तेल का हाथ लगा लें ताकि आटा चिपके नहीं हाथ पे। हम इसकी 4 रोटी बनाएंगे। इसे बिल्कुल चपाती जितना ही पतला बेलना है। रोटी बेल ली है, हम इसको एक साइड में रख देते हैं और हमारी एक और रोटी बेल लेते हैं। अब हम दोनों रोटियों को सेक लेते हैं। तवा गरम हो गया हमारा। हम इस पर रोटी सेक लेंगे। देखिए थोड़ा कलर चेंज हो गया है, थोड़े थोड़े से बबल्स भी आ रहे हैं। रोटी तैयार है हमारी, ऐसे ही दूसरी रोटी सेक लेंगे। अगर आप रोटी बच्चों को दे रहे हैं ये, तो आप इस पर थोड़ा सा घी लगा के और फ्राई भी कर सकते हैं, और बिना घी लगाए भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे है। हमारे रोल तैयार कर लेते हैं हम। इसमें मैं नीचे मेयोनीज़ लगाऊंगी, इसमें मैं मेयोनीज़ लगा दूंगी खूब सारा। वेजिटेबल्स, थोड़े से प्याज, थोड़े से टमाटर, हरी मिर्ची, बच्चों को अगर दे रहे हैं तो ना डालें, थोड़े से फ्रेश धनिया, 2-3 बूंद नींबू का रस, बहुत थोड़ा सा चीज़, आपको भाए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये हमारा काठी रोल तैयार है। इसको हम बटर पेपर या फॉइल पेपर में रोल कर देंगे ताकि बच्चे इसे गिराए ना। इसी तरह से हमारा दूसरा तैयार कर लेंगे हम। इसको कई सारे नामों से जानते हैं सब लोग, वेज रोल कहते हैं कई, कई इसको काठी रोल कहते हैं, कई इसको रोटी रोल भी कहते हैं, और ये एक फुल मील है। आप इसको दोपहर में या शाम को कभी भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो लीजिए हमारे तैयार है काठी रोल।